उपमुख्यमंत्री बाप्पाबू आजगावकर तसेच आमचे मंत्री बाप गोविंद गावडे या खात्याचे सगळे डायरेक्टर सेक्रेटरीज बाकीचे सगळे पदाधिकारी आणि तसेच वेगवेगळे समाज बांधव हंगासर हजर असत. आम्ही बाबासाहेब आंबेडकर जे घटनेचे शिल्पकार असत त्यांना याद करता आणि त्याच घटनेच्या आधारेचे आजपर्यंत हो देश हे राज्य चला जायचा आमच्या अतिदुर्बल समाज घटका खातीर सदोदीत आधार दिवपा खातीर आमचे सरकार कटिबद्ध आसा. अजूनही आम्ही म्हटला की स्वयंपूर्ण गोय या संकल्पनेतल्यान आम्ही सकेलात सकेल आम्ही अंत्योदय तत्वाचे पावता असताना समाजातले अजूनही जो घटक त्याच्यापर्यंत सरकार पावना त्यांच्यापर्यंत सरकार पावपाचो प्रयत्न हो सगळ्या जणांक ज्यो सुविधा पावंक ना त्यांना पावपाचो प्रयत्न आम्ही करतले निश्चितच रित्या. या निमित्तान बाबासाहेब आंबेडकरांक हांव मानवंदना व्यक्त करता श्रद्धांजली व्यक्त करता सरकारच्या वतीन आणि आंबेडकर भवन एक भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर उनको मैं आदरांजलि व्यक्त करता हूँ गोवा सरकार की तरफ से. मैं यहाँ पे खुद मेरे साथ में हमारे डिप्टी सीएम बाबू आजगावकर हमारे मिनिस्टर श्री गोविंद गावड़े यहाँ पे हाजिर हैं कि हर साल हम सरकार की तरफ से बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती बड़ी मात्रा से यहाँ मनाते हैं. पूरे सभी समाज बांधव हमारे डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ी मात्रा से कार्यक्रम करते आ रहे हैं. कोविड के माध्यम के लिए हमने इस बार कार्यक्रम के लिए थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लगाया है. इसीलिए इन्हें समाज बंधु ने जो कुछ कार्यक्रम और रेस्ट्रिक्शन से वो करे मैं फिर से एक बार उनको आदरांजलि व्यक्त करता हूँ. और उन्हीं के तत्वों पे देश और राज्य में जो सरकार चलते आ रहा है ये अंत्योदय तत्वों पे हमारे सरकार चलने के लिए जो जो राज्य के सभी स्कीम सभी योजना दुर्बल घटक तक पहुँचने के लिए स्वयंपूर्ण गोवा के कार्यक्रम के अंतर्गत डेफिनेटली अंत्योदय तत्व पर हम काम करेंगे. यही आदरांजलि यही श्रद्धांजलि बाबा साहेब आंबेडकर को रहेगी. मैं गोवा सरकार की तरफ से फिर एक बार मैं आदरांजलि व्यक्त करता हूं. मैं देख कोविड केसेस इंक्रीज हो रहा है गवर्नमेंट ने कितना सीरियसली देख रहे हैं सर डे बाय डे केसेस. जी हाँ बिल्कुल हम कोविड 19 की महामारी से जाते हुए आजकल गोवा में भी केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन इनके लिए हम सभी गोवा के लोगों को हम आह्वान कर रहे हैं कि खुद की प्रिकॉशंस खुद ने लेनी ही चाहिए. इसके सिवाय गवर्नमेंट की तरफ से हम सभी जो जो सुविधा टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हो क्वारंटाइन फैसिलिटीज हॉस्पिटलाइज फैसिलिटीज़ बड़ी मात्रा से हम उपलब्ध कर रहे हैं. सभी लोगों को हम आह्वान कर रहे हैं जल्दी से जल्दी सिम्टम्स दिखने पर टेस्टिंग करें और खुद को आइसोलेट करके दें. होम आइसोलेशन किट रहने तो बड़ी मात्रा से आज भी हम सभी लोगों को दे रहे हैं. मैं सभी लोगों को इतना ही कहूँगा फिर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें मास्क जरूर यूज़ किए सैनिटाइजर हमने खुद की परवाह करनी चाहिए और इसी के साथ में राज्य के इतर लोगों के इस बार अभी हम लॉकडाउन नहीं कर सकते. लॉकडाउन की वजह से फिर से एक बार यानी इकोनॉमिकल एक्टिविटी टूरिज्म ये सब कुछ बंद हो सकता है. इसीलिए मुझे सभी गोवा के लोगों को और जो बाहर से टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं उन लोगों ने भी बड़ी मात्रा से प्रिकॉशन लेना जरूरी है और इसी तरह यही संदेश कि लॉकडाउन इज नॉट अ सॉल्यूशन. सर ये लास्ट क्वेश्चन सर कल एक गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने एनडीए का विड्रॉल किया कितना कुछ गवर्नमेंट को इफेक्ट पड़ेगा सर बीजेपी में. जो नहीं थे उसने विड्रॉल करके क्या फ़ायदा है हमने जब उनको निकाल दिया था. आई डोंट नो व्हाई दे आर अभी तक कब निकाल आंबेडकर भवनाच्या संदर्भात सरकार जागा जी असा ही अजून आयडेंटिफाय जावना बट सरकार डेफिनेटली हाउसिंग बोर्ड आणि बाकीच्यांकडे आम्ही जागा मागल्या. एकदा जागा मेळाना फुडें आम्ही म्हटलं आम्ही त्या खातीर म्हटलं आमकां सेंट्रली जागा मेळाना. हांवें तुमकांय सांगलां आमकां पॅरिफेरीन ज्या जाग्यार मेळटा थंय रेडी करता आमी बट तुम्ही सेंट्रली परवरी म्हणू लागला त्या खातीर आतां हाउसिंग बोर्डाक परत एक लॅटर धाडला बट आंबेडकर भवन दिवपा खातीर आमी कटिबद्ध आसा. फक्त जागेचो विषय फायनल जावंक ना म्हणून उरला बट जाता तितके बेगीन जागा फायनलायज जाल्या उपरांत आमी आंबेडकर भवनाचो फाउंडेशन स्टोन घालता. ओके.